हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी हूँ मोमेंट वर्ल्ड। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो कान्हा जी का श्रृंगार होने वाला है। तो ये हमारे जो ये जो विग्रह है हमारे लड्डू गोपाल जी का है। इस विग्रह को हमने आज से कुछ 5 साल पहले लिया था। मायका के आने से 5-6 महीने पहले ये हमारे घर में आए थे। जब हमने इनको लिया था तो शॉपकीपर ने हमें कहा था कि ये जो है पीतल के हैं, बट लेकिन समय के साथ साथ इनका जो है कलर फेड होता चला गया। तो हमें पता चला कि शॉपकीपर ने झूठ बोला था। बट लेकिन क्या था कि इनको उसने तो सेल करना था, बट हमारे को ना इनसे जो है भाव जुड़ गए। तो उस हिसाब से मैं एक बार सोचने लगी कि चलो एक पीतल के लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, क्योंकि इनका कलर काफ़ी ख़राब होने लगा था। पर लेकिन फिर मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई कि नहीं, पीतल के मतलब, क्योंकि मैं 2 लड्डू गोपाल जी तो मंदिर में अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा है। तो 2 लड्डू गोपाल जी रखना, वहाँ पे स्पेस की कमी है, तो इसलिए मैं नहीं सोच सकती थी। तो फिर इनको भी कहीं रखने का मतलब किसी को देने का मन नहीं किया, तो क्योंकि भावनाएँ जुड़ गई थी तब तक। तो इसलिए फिर ऐसी प्रेरणा हुई कि चलो इनका श्रृंगार कर लेते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो खुद ही मैं इनका श्रृंगार कर लेती हूँ। तो इसलिए आज वो मुहूर्त आया है कि आज इनका श्रृंगार हो रहा है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ज़िद करी कि नहीं नहीं मेरा श्रृंगार करो, तो बस मैं फिर सारे काम छोड़ के पहले इनका श्रृंगार ही करने लगी। तो इनका श्रृंगार जो मैं कर रही हूँ एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ, जो हमारे पास एक्रेलिक कलर्स होते हैं। और जो एक कलर जो मैंने चूज़ किया है इनके लिए, तो बड़ा ही भजन है, एक सुनते कीर्तन सुनते आई हूँ बचपन से कि राधा जी के सांवरे पिया अपना बना लेते हैं। तो बस वही ना, वो सांवला रंग जो है ना उनका, वो माइंड में था। तो मैंने कहा चलो इनका कलर जो है इसी तरह से कर लेते हैं, श्याम वर्ण। तो इसलिए मैंने इनका कलर मायका से पूछा, तो मायका ने बोला कि हाँ इस कलर को ऑप्ट किया मायका ने भी और मैंने भी। तो फिर हमने इनका कलर का श्रृंगार जो है इसी कलर से कर दिया। तो चले इनका श्रृंगार आगे करते करते आपसे बातचीत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं इनका साइज़ 2 है, मतलब काफ़ी छोटे हैं। और इनके ना जो फीचर्स हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, मतलब जो कार्विंग की हुई है वो बहुत क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई मुझे। और ऊपर से साइज़ बहुत छोटा है, तो फीचर्स और मतलब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो हुई। बट फिर भी होता है ना, जो सब प्रभु इच्छा से हो रहा हो काम, वो अपने आप होता चला जाता है। उसमें हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस वैसा ही हुआ मेरे साथ भी, मैंने बस करती रही और अपने आप ही जो है उनका श्रृंगार होता चला गया। जैसा उनको चाहिए था वैसा ही हुआ है, उन्होंने जिस तरह से करवाया तो इस हिसाब से वो होता चला गया। तो वैसे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि साइज़ जो है 2 नंबर है और थोड़ा छोटा है। और क्योंकि बड़े जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, उनके साइज़ उनके श्रृंगार करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब चीज़ें नैन नक्श काफ़ी बड़े होते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। पर इसमें नैन नक्श बहुत छोटे थे, तो इस वजह से। और मेरे पास ना ब्रशेज़ भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब क्योंकि मैं रोज़ नहीं करती हूँ ये सब चीज़। और फर्स्ट टाइम, मतलब ये सेकंड टाइम कर रही हूँ, लड्डू गोपाल जी का पहली बारी कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बारी माता रानी का श्रृंगार था जो उसको ठीक किया था, पर तब मैं बहुत, ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, यानी कि आज से कुछ 15 साल पहले की बात है। पर लेकिन अब जो है ये मैं 15 साल बात कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। और ब्रशेस वगैरह की कमी थी, मतलब ब्रश जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, कि बहुत फाइन नहीं चल रहे थे। तो इस तरह से देखिए मेरे सारे जो इनके जो भी नैन नक्श है ना, वो इतने अच्छे से कार्व नहीं किए हुए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मुझे करने में। पर लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से इनका श्रृंगार हुआ है, आगे आप देखेंगे। तो मैं एक साउंड छोड़ देती हूँ और आप उसके साथ साथ इनके श्रृंगार का आनंद लें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बात कहना चाहूँगी, मतलब जैसे मेरे को एक प्रेरणा हुई कि भैया हम इनका श्रृंगार करके इनको ठीक कर सकते हैं, तो वैसे ही मतलब मैं भी आपके साथ आइडिया शेयर करना चाह रही थी कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई बार ना शॉपकीपर झूठ बोलते हैं और कहते हैं नहीं पीतल के ही हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, वैसे किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हमारे पास जो हम लोग, क्योंकि या इनके श्रृंगार भी करते हैं कई लोग, जो आप
उनको कुछ भी जो है निछावर वगैरह दे के इनका श्रृंगार करा सकते हैं, पर ऐसे लोग आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलते, कई बार हम लोग को नहीं पता होता। तो उस केस में क्या आप खुद भी अपने हाथों से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है कि आप लोग को भी आइडिया मिल सके कि भाई हम किस तरह से जो है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अपने आप घर पे ही कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनका श्रृंगार घर पे खुद से कर सकते हैं, और खुद से करने में जो सुख मिलता है ना, वो आप किसी से करवाएंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। तो ये एक मैंने आइडिया भी शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ, मतलब प्रॉब्लम है जो मेरे साथ थी, तो आप भी इनका श्रृंगार घर में खुद से करके वो प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए इनका श्रृंगार करते हैं। देखिए मेरे पास ब्रश की ना प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मेरे को इनकी आई बॉल्स बनाने थे और उसमें ये ब्रश मेरा सही से काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए भी मैंने आपको सलूशन दिया, जब आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। इवन एक्चुअली क्या था, मेरे पास जो थे ना सामान था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया ये सब चीज़ करना। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने, मुझे ब्रश के अलावा मैंने कौन सा टूल यूज़ किया जिससे कि यहाँ पर मुझे जो इनके फीचर्स बनाने में और ऑर्नामेंट्स बनाने में हेल्प हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं ये डॉटेड टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो डॉटेड टूल है ना, इस नेल आर्ट में और मंडला आर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप नेल आर्ट मंडला आर्ट करते हो तो आपका डेफिनेटली टूल होगा। तो ये जो टूल है मेरे पास भी था, तो इससे मैंने इनके डॉट्स और ऑर्नामेंट्स बनाए। देखिए इनके चिन पे कितने सुंदर से मैंने वो तीन डॉट्स बनाए, और इनकी माला, ये सब मैंने इसी से बनाया। फोरहेड पे भी ये मंडला आर्ट के लिए और क्या बोलते हैं नेल आर्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो इस तरह के इसमें पिंस होते हैं, 5 पेन होते हैं, डॉटेड टिप्स वाले पेन होते हैं, डुअल साइड इनके डॉट्स होते हैं, डॉटेड टिप होते हैं, डुअल साइड जो साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उससे आपको जैसा भी साइज़ का डॉट चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए कान्हा जी का श्रृंगार ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी का श्रृंगार कंटिन्यू करेंगे। मैं इनको बाकी चीज़ें भी बना दूँ। आप बताइए कैसे लग रहे कान्हा जी? आई होप कान्हा जी का श्रृंगार आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।